सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल दीपक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को चलाने आते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट को आप चलाते हैं, ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को चलाते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट को चलाते समय उन्हें जिसकी आईडी पसंद आती है वो क्या कहते हैं, उसकी आईडी पर जाते हैं और उसे यहाँ पर फॉलो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे फॉलो कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इन्हें फॉलो कर लिया हूँ। अब जब मैंने इन्हें फॉलो कर लिया है तो इनका जो वीडियो है, स्टोरी है, जब भी ये वीडियो स्टोरी डालें तो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आए। इसीलिए तो हम लोग फॉलो करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं तो इसीलिए तो फॉलो करते हैं कि जब वो कोई भी स्टोरी या लाइव आए या कोई पोस्ट डाले या कोई वीडियो डाले, कोई रील डाले तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आना चाहिए, इसीलिए हम किसी को भी फॉलो कर लेते हैं। लेकिन जब ये लोग कोई भी पोस्ट या कुछ भी डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता फॉलो करने के बाद भी। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको एक समझा देता हूं। तो आपको यूट्यूब में आना है, किसी भी वीडियो पर आपको क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर इसे मैं बंद कर देता हूं और यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया रहता है, आप इस पर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप ऐसे सब्सक्राइब करेंगे किसी के भी वीडियो का तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। जब आप यहाँ पर एक घंटा दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे तो जो भी वीडियो वो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, यानी कि आल सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पर। जिसका भी वीडियो अपलोड, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। वैसा ही सिस्टम इसमें भी होता है, इंस्टाग्राम में वही सिस्टम होता है। जब यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं यानी कि फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता, केवल आपको होम पेज पर, होम पेज जो आपका है वहाँ पर आपको केवल इनके वीडियो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपके पास तो जैसे ही वो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका भी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए, आपका कोई भी फ्रेंड या किसी के भी आप फैन हैं और वो कभी भी लाइव आएँ या फिर कभी भी स्टोरी शेयर करें इंस्टाग्राम पर या कभी पोस्ट डालें, रील डालें, तो उसका आपका उसका आपके पास नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहां पर चले आना है, किसी की भी प्रोफाइल में आप चले जाना। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ तो नंबर एक तो आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको यहाँ पर इस तरह से आईडी दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको फॉलो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर देखना है, यहाँ पर आपको एक घंटा का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको गौर से देखना है, यहाँ पर एक घंटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, घंटी का, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कितने ऑप्शन आ चुके हैं, पोस्ट, स्टोरी, वीडियो, रील और गो लाइव, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये यहाँ पर अभी इनेबल नहीं हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये इनेबल नहीं है। इन्हें इनेबल आप जब करेंगे तब उसी का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जैसे आप चाहते हैं कि ये कोई भी पोस्ट अपलोड करें जिनके भी आप फैन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आप चाहते हैं कि वो कभी भी स्टोरी अगर पोस्ट डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए तो आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि उनका जो स्टोरी है स्टोरी डालें तो उसका भी नोटिफिकेशन आए तो आपको इसे इनेबल कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि वो ये वीडियो अपलोड करें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तो उसका नोटिफिकेशन आए तो आपको इसे इनेबल कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि वो रील अपलोड करें उसका भी नोटिफिकेशन आए तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप कोई मतलब आप चाहते हैं कि अगर मेरे पास केवल रील का नोटिफिकेशन आए और इनका नोटिफिकेशन ना आए तो आप इन्हें बंद कर सकते हैं, या फिर स्टोरी का नोटिफिकेशन आए और इनका नोटिफिकेशन ना आए तो यहाँ पर आप इन्हें भी बंद कर सकते हैं। अगर आप इन सभी को इनेबल रखेंगे तो सभी का पोस्ट, स्टोरी, वीडियो, रील सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, लेकिन लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आपको लाइव का नोटिफिकेशन लाने के लिए यहाँ पर गो लाइव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गेट सम नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, इस पर आप
जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आप गेट ऑल नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करने देंगे तो यहाँ पर आपके पास लाइव और सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पर जब आप इस तरह से आप किसी के भी मतलब कोई भी जैसे आप जिसके भी फैन हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आपका दोस्त है, आपका कोई भी है, रिश्तेदार है, जब भी वो कभी भी स्टोरी पोस्ट रील वीडियो जो भी डालेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे मैं किसी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करूँ उसका नोटिफिकेशन एग्जैक्ट आ जाए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो आपको क्या करना है, आपको भी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है और जिस तरह से मैंने पर बताया इस तरह से आपको इनेबल कर लेना है। और फिर मैं जब भी कोई भी वीडियो रील अपलोड करूंगा, स्टोरी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, उससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते।